हाई एवरी वन माई नेम तवना चौधरी वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आई एम ए फिजिक्स वेंटोर फॉर नीट यू जी नीट के एग्जाम में अभी सिर्फ छह दिन रहते हैं तो मैं एज अ फिजिक्स एक्सपर्ट तुम लोगों के साथ कुछ ऐसे चार पांच टिप्स को शेयर करने वाली हूँ जिसकी हेल्प से तुम वो गलतियां नहीं करूंगी जो मे बी बच्चे कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना और अगर कोई बच्चा यहाँ पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है जितना भी टाइम रहता है मैं तुम्हारी फिजिक्स में हेल्प करने वाली हूँ इनफैक्ट मैं तुम्हें बताना चाहूंगी की इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम दो मे को तीन मे को और चार मे को फिजिक्स के जो फोर्टी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हर साल सौ मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर टॉप थ्री हंड्रेड क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि एटलीस्ट ये जो चालीस टॉपिक है हम इनको सील कर दें और उसके बाद में तुम लोगों को कंप्लीटली फ्री छोड़ने वाली हूँ पांच तारीख के लिए और छह तारीख के लिए ताकि तुम सेल्फ स्टडी के अंदर इंडल्ज कर सको और फिर सात में को अल्टीमेटली पेपर दे सको तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं चाहूंगी तुम लोग इन बचे हुए दिन में करो और ना करो ताकि तुम्हारी एफिशिएंसी बनी रहे और तुम सही ट्रैक के ऊपर अपनी प्रिपरेशन कर पाओ नंबर वन अगर अभी तक मॉक टेस्ट देने नहीं शुरू की है प्लीज मॉक टेस्ट देने शुरू कर दो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि तुम लेट नहीं हो डेफिनेटली तुम लेट हो मॉक टेस्ट देना तुम्हें पहले ही शुरू कर देना चाहिए था लेकिन देर आए दुरुस्त आए अभी तुम लोग आज से मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकते हो डेली बेसिस के ऊपर मॉक दो तुम एक मॉक देना चाहते हो एक मॉक भी दे सकते हो तुम डेली बेसिस के ऊपर दो मॉक देना चाहते हो तो तुम वो भी दे सकते हो तो बहुत सारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जो चल रही है फ्री टेस्ट सीरीज है पेड टेस्ट सीरीज में भी है तुम्हें बस इसका ख्याल रखना है कि तुम किसी भी टेस्ट सीरीज में एनरोल करो तो वो क्रेडिबल है उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो नीट लेवल के है नीट का ही पैटर्न फॉलो हो रहा है जिसकी हेल्प से तुम लोगों को एक्चुअली में पता लगे कि तुम कहां पर स्टैंड करते हो ऐसी एक फ्री टेस्ट सीरीज अन अकेडमी पे भी चल रही है उस टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो बिकॉज नाउ इट इज हाई टाइम डेली बेसिस के ऊपर या तो एक मॉक दे सकते हो या फिर दो मॉक दे सकते नंबर टू और नंबर थ्री एडवाइस बात कर रही है मॉक टेस्ट से पहले क्या करना होता है और मॉक टेस्ट के बाद में क्या करना होता है तो पहले बात कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट से पहले क्या करना होता है तो बच्चों अभी तुम लोगों को मॉक टेस्ट से पहले डिटेल नोट्स बिल्कुल भी नहीं खोल के देखने सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स निकाल लो एंड गो थ्रू देम और स्पेसिफिकली वो चीज

देने के बाद की बात करूं तो टेस्ट देने के बाद एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस का मतलब ये होता है कि मेजरली तुम्हारे जो क्वेश्चन हैं क्यों गलत जा रहे हैं और कहां से गलत जा रहे हैं कहां से गलत जा रहे हैं एज इन तुम्हारा टॉपिक कौन सा वीक रह रहा है और कैसे गलत जा रहे हैं एज इन जो तुम्हारे क्वेश्चन गलत जा रहे हैं वो मेमोरी बेसिस के ऊपर जा रहे हैं या कंसेप्चुअल बेसिस के ऊपर जा रहे हैं मानो अगर तुम्हारे क्वेश्चन इसीलिए गलत जा रहे हैं क्योंकि तुम कोई चीज बार बार भूल रहे हो तो यहाँ पर आती है फोर्थ एडवाइस की जो चीजें बार बार भूल रहे हो उनको प्लीज अपने शॉर्ट नोट्स में हाईलाइट कर लो ताकि तुम डेली बेसिस के ऊपर आधे घंटे बैठ के सिर्फ और सिर्फ लिख के उन चीजों को याद करने की कोशिश कर रहे हो जो तुम बार बार भूल जाते हो अब वो कोई नाम भी हो सकता है नेम रिएक्शन भी भी हो 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 सकता सकता है कोई आदत लगा लो अभी एक से लेकर मई तक तुम लोग बैठ रहे आधा घंटा और और सिर्फ और सिर्फ लिख के उन चीजों को याद करने की कोशिश कर रहे हो जिनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे अगर तुम उनको ना भूलो तो जैसे कि फिजिक्स में कभी कभी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं लेकिन बच्चे को फॉर्मुला ही नहीं याद आएगा तो वो इजी क्वेश्चन भी उसके हाथ से चला जाएगा तो इसीलिए फोकस करना है उन फॉर्मुलाज के ऊपर उन चीजों के ऊपर जो तुम बार बार भूल रहे हो और

ये है कि अपने स्लीपिंग स्केड्यूल को प्लीज अभी फिक्स कर लेना अगर मानो तुम्हारी आदत है बहुत ज्यादा लेट तक पढ़ने की तो प्लीज अभी उसको चेंज करो धीरे धीरे सुबह जल्दी उठना शुरू करो सुबह उठने की आदत डालो ताकि तुम वो वो तुम वो वो मैक्सिमम जो बजे होते लोग शो कर पाओ और लास्ट एडवाइस जो आई बिलीव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडवाइस है वो ये है कि तुम जब मॉक टेस्ट दे रहे हो ट्राई करो कि वो जो मॉक टेस्ट है दो से ले बजे तक ही दे रहे हो ताकि तुम एक्चुअली में ये भी समझ पाओ कि तुम्हारी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है जैसे कि मानो तुमने एक बजे खाना खा लिया अब दो बजे बिल्कुल नहीं नींद आने लगे तो तुम्हें अच्छे से पता लग गया कि इतना ज्यादा फूड ओवरलोड नहीं लेना तुम लोगों को एग्जाम से पहले बस थोड़ा सा हाई एनर्जी सोर्स तुम कंज्यूम कर सकते हो एग्जाम से पहले जैसे कि चॉकलेट खा ली या फिर कोई और ग्लूकोज सोर्स कंज्यूम कर लिया जिसकी हेल्प से तुम्हें भूख ना लगे लेकिन तुम इतना भी ज्यादा ओवरलोडेड नहीं हो कि तुम लोगों को नींद आने लग जाए अपने आप को प्रिपेयर करो मेंटली भी फिजिकली भी ताकि तुम दो से लेके पांच बज के बीस मिनट तक एक जगह बैठ सको तीन घंटे बीस मिनट बैठ सको और फिर बाद में पूरे के पूरे एग्जाम को दे सको तो इस तरीके से आई एम होप